हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश में रोजगार से संबंधित अपडेट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है, जिसमें 32,000 AMU को साइन किया गया है, जिसमें 25,000 करोड़ के 32,000 जो रोजगार हैं उनके लिए 25,000 करोड़ के AMU को साइन किया गया है। तो टीम योगी से मतलब जो योगी का मंत्रिमंडल है, उसे बहुत बड़ी सफलता मिली है मेडिकल में, एनर्जी में, EV मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उनका फोकस रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के नेतृत्व में हैदराबाद पहुंची टीम ने रोड शो के दौरान करीब 25,000 करोड़ के 19 AMU पर हस्ताक्षर किए। इससे करीब 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह AMU जो हुआ है मेडिकल, एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए हैं। इस दौरान कई अन्य निवेशकों ने हजारों करोड़ के निवेश की इच्छा जाहिर भी की है। ये निवेशक फरवरी में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होकर अपने निवेश को अंतिम रूप देंगे। रोड शो से पहले पूरे दिन बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग का दौर चला। इस दौरान हैदराबाद के 2 दर्जन से अधिक निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि मंडल से यूपी में निवेश के अवसरों, नीतियों के तहत मिल रही तमाम राहतों के बारे में, छूट के बारे में जानकारी दी। उसके बाद 19 निवेशकों ने AMU फाइनल किए। 12 AMU 100 करोड़ या इससे ज़्यादा के रहे, वहीं 6 AMU 1,000 करोड़ से ज़्यादा के रहे। सबसे बड़ा AMU मेघा इंजीनियर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से करीब 15,500 करोड़ रुपए का किया गया। उस उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अगुवाई में हुई टीम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, आयुष एवं FSDA मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, प्रधान मुख्यमंत्री के सलाहकार GN सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे थे। ठीक है, एयरक्राफ्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी ब्राज़ील की कंपनी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्री समूहों के विदेशी दौरों में मिले प्रस्ताव अब AMU में बदलने लगे हैं। मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में हुए रोड शो के दौरान 13 निवेश प्रस्ताव में से 6 AMU हो चुके हैं। ठीक है, अब निवेशक कौन कौन से हैं, इनसे हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है जानने की, फिर भी जान सकते हो। कभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सबसे बड़ा निवेशक रहा उत्तर प्रदेश में। अगर आप UPSC लेवल पर तैयार कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, इसका जो निवेश है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा रहा, 15,500 करोड़ रुपए का। पल्सिस ग्रुप ने 2,000 करोड़ किए हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बसाई रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भी 1200 करोड़ का, त्रिवेणी रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड ने भी 1200 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। NSL शुगर लिमिटेड ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मरीन कार पार्क्स में 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। स्कालर ने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इकोलॉस्टिक प्रोडक्ट 150 करोड़, सुधाकर PVC प्रोडक्ट्स 125 करोड़, एटलस फाइनेंशियल रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया है। तो इससे 32,000 लोगों को बहुत ही जल्दी रोज़गार मिलेंगे। अब हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है। 1916 में BHU की स्थापना के लिए निज़ाम ने 1,00,000 रुपए दिए थे। इसीलिए हम दोनों राज्यों के इस रिश्ते को निभाने और निवेशकों को आमंत्रित करने यहाँ पर गए थे। मतलब ये बात मुख्यमंत्री के, वो उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा था। ठीक है, अब जो रेस्पॉन्स मिला उनको वो हौसला बढ़ाने वाला था। तेलंगाना औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुआ है, तो यूपी में भी बदलाव के दौर आ रहे हैं। यूपी में सुधार और बदलाव होगा, वो निवेशकों के लिए सुरक्षित और संभावनाओं वाला है। हम तेलंगाना निवेशकों का यूपी में स्वागत करते हैं। तो ये बृजेश पाठक का कहना था। तो जब इतने सारे AMU हो रहे हैं, तो जब भारत में इतना सारा, वो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में इतना सारा निवेश आएगा,
तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।